अपने YouTube चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स पर। अगर आप लोग क्लास 11 के स्टूडेंट हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो और एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बनाते हो थ्योरी, आप चाहते हो कि आपको स्ट्रॉन्ग थ्योरी मिले, आप सभी मैथ किसी भी मैथ को बना सकते हो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया। यहाँ पर आज हम आपको क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है सेट्स, उनके बारे में बताऊंगा और यहाँ पर आपको हम एक एक करके तोड़ करके बताएंगे ताकि आपको सेट समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। अगर आप लोग सेट को पूरी तरह समझना चाहते हो तो आप इस वीडियो को अंत तक देख करके सेट की जानकारी ले सकते हो। और मेरा जो विचार है और मेरा जो विश्वास है, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप सेट को नहीं भूलोगे। तो चलिए पहला चैप्टर और सेट थ्योरी हम शुरू करते हैं। तो देखिए सेट, आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, सेट के बारे में जानते हैं, लेकिन अब सेट मैथमेटिक्स का क्या सेट है इनको नहीं जानते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं, जैसे कपड़ों का सेट होता है, बर्तनों का सेट होता है, बेंच डेस्क का सेट होता है, क्लासरूम जाते हैं, तो सेट तो आप अपने दैनिक जीवन में जानते हैं लेकिन सेट के बारे में उतना नहीं जानते हैं। आमतौर पर आप मान के चलिए कि कपड़ों का सेट यानी समान कंपनी और समान साइज और समान रंग का एक ही कपड़ा दो बनवा लेते हैं तो आप सेट कहते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है कि किसी भी वस्तु, जैसे मान के चलिए कि सेम प्रकार की वस्तु है, अगर वो रिपीट हो गया तो उनको हम सेट नहीं कहते हैं। तो आप अपने दैनिक जीवन से तो जान ही चुके हैं कि बर्तनों का सेट हो जाता है। तो मैथमेटिक्स में जो सेट है वो यह है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, या सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। सेट की अगर आप डेफिनेशन चाहो तो लिखते जाओ, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट, यानी सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम सेट कहते हैं। तो आप जान लीजिए कि यहाँ पर सुपरिभाषित क्या है, सुपरिभाषित का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट से तात्पर्य है। जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं ए बराबर 1, 2, 3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वस्तु यानी यहाँ पर जो हम संख्या लिए हैं 1, 2, 3, ये भिन्न भिन्न संख्या है, यानी भिन्न भिन्न संख्या। तो यही भिन्न भिन्न संख्या के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, सेट कहते हैं। अब चलिए कि सेट यहाँ पर तो आप देख लिए, तो इसमें आप देखिए गौर कीजिए क्या सब देख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिए हैं, कैपिटल लेटर लिए हैं, और ये देख रहे हैं ये कौन ब्रैकेट है, ये मिडल ब्रैकेट है, और ये कैपिटल लेटर है। अब यहीं पर देखिए ये जो इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। आप कॉपी में नोट करते जाओ, आप अपने घर पर बैठ करके आप क्लास 11 की मैथमेटिक्स की जानकारी ले सकते हो। ये सभी क्या है, एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। देखिए इनसे यह क्लियर हो गया कि सेट को जो हम सूचित करते हैं, जैसे सेट्स आर डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स, तो सेट को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम सूचित करते हैं। अब देखिए उनके अवयवों को, एलिमेंट्स को, जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बी बराबर ए बी सी, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी क्या है, एलिमेंट है, तो उनके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। तो सेट को हम कैपिटल लेटर से और उनके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से, और उनके अवयवों को हम किस ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, तो मिडल ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। इतना चीज तो क्लियर हो गया कि सेट किसे कहते हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को हम सेट कहते हैं, सेट को हम कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं, उसको मिडल ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, और उसके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से सूचित करते हैं। तो आप जानते हैं कि एलिमेंट मेंबर किसे कहते हैं, एलिमेंट या मेंबर्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स या मेंबर्स,
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स या मेंबर्स। संग्रह की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? सेट में संग्रह की वस्तुओं को हम मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं, सदस्य तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको एग्जांपल में बताया था कि जैसे ए बी सी, तो ये क्या हो जाता है आपको सेट, ये को हम क्या बोलते हैं सेट हो गया, और इनको भी हम क्या बोलते हैं सेट। और इसी में जो ये ए देख रहे हैं स्मॉल ए, ये क्या है एलिमेंट है, एलिमेंट। तो उसी प्रकार से सभी ये बी भी क्या है एलिमेंट है, ये सी भी क्या है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, और इन ये सभी क्या कहलाते एलिमेंट्स प्लूरल हो गया। तो देखिए ये इसी संग्रह के हम वस्तु को हम क्या बोलते हैं एलिमेंट्स या मेंबर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सेट को समझने में कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं हुआ होगा। भिन्न भिन्न वस्तुओं के संग्रह को हम सेट कहते हैं। अब हम सेट को डिनोट करने के लिए इम्पोर्टेंट इनका जो नोटेशन है उनको भी हम जान लेते हैं। चलिए सम सम इम्पोर्टेंट नोटेशन फॉर सेट्स। तो देखिए पहला देखिए जैसे n, अब n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो n से हम क्या करते हैं प्राकृत संख्या के समूह को हम n से निरूपित करते हैं। दूसरा n का हो गया z और i। अब देखिए जेड या आई से हम क्या करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जेड या आई से हम क्या करते हैं पूर्णांकों के समूह को हम सूचित करते हैं। तीसरा नाम लेते हैं क्यू, इसका अर्थ क्या हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समूह। आप लोग हिंदी में भी लिखते जाओ अगर लिखना चाहो, या आप देखते जाओ। ये चौथा, ये डब्लू लेते हैं, ये सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समूह। उसके बाद हम लेते हैं R, R फोर, ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समूह। उसके पश्चात Z प्लस या I प्लस। अब देखिए ये जो पूर्णांक संख्या होती है इसमें देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या दोनों होती है, तो इसलिए z प्लस कह दिए। तो इसमें हम क्या लेंगे सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्या लेंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। वहीं अगर हम q प्लस लेते हैं तो ये क्या हो गया पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो गया। अगर हम R प्लस लेते हैं तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गया। तो इसलिए लेते हैं कि मान के चलिए कि रियल नंबर में जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है, ये कलेक्शन जो होता है रेशनल और इरेशनल दोनों का होता है रियल नंबर। वैसे नेचुरल नंबर के लिए आप लोग बात जानते होंगे, नेचुरल नंबर क्या होता है कि गिनती की संख्या पूर्णांक संख्या, इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव का ये समूह होता है कलेक्शन होता है, और ये आपको रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल नंबर में आपको हो गया जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए, और जहां क्यू का मान क्या होना चाहिए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ करके आप कोई भी मान रख दो पी और क्यू के स्थान पर, ये क्या हो जाएंगे परिमेय संख्या। उसके बाद
देखिए होल नंबर पूर्ण संख्या आप नेचुरल नंबर में क्या करते हैं जीरो भी सम्मिलित कर लेते हैं तो उनके समूह में जीरो सम्मिलित कर लेते हैं तो आपको ये क्या बन जाता है पूर्ण संख्या बन जाता है। उसके बाद ये रियल नंबर, ये जो रियल नंबर हो गया ये सेट आपको रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों का कलेक्शन हो गया। तो इस प्रकार से जो इनका नोटेशन है संकेत है तो इनको आपने देख लिया। एन अगर हम लेते हैं तो ये नेचुरल नंबर को दर्शाने के लिए लेते हैं।